अभी हम लोग मोकतवा बस्ती में हैं, मोकतवा गांव में। मोकतवा गांव एक किरप डिस्ट्रिक्ट का एक हाईएस्ट पिक जाना जाता है। तो अभी आज मोरंग का उद्घाटन है। मोरंग मीन्स मेल डोमिटरी, जिसको नुक्ते में पा कहते हैं, पा भी कहते हैं और पांग भी कहते हैं। यहाँ का जेट पीएम भी है डाडम ब्लॉक का, और यहाँ का राजा साहब भी है, तेवंग का, तेवंग लुवंग का जो सबसे बड़ा बेटा जो है जेट पीएम साहब, और राजा भी है मोकतवा बस्ती का। तो सर अब बताइए कि ये जो मोरंग है, पा बोलते हैं हम लोग, और ये जो है चिप्टनशिप का अंडर में था, राजा का अंडर में मोरंग होता है आप लोग का। मैंने सुना है यहाँ में दो राजा है आप लोग का, अब हाकुन का राजा है और एक कामवा राजा है। तो आज ये जो मोरंग है ये एक्चुअली ये हमारा सुमखू पा बोलते हैं, ये सारा बस्ती का पा है। हमारा बस्ती में 7 कॉलोनी है, 7 कॉलोनी में से ये सबसे बड़ा मोरंग है। ये मोरंग से ही शुरू होता है। जो कामो राजा होते हैं तो थोड़ा नीचे में है, ये उनका कामो राजा का पा जो, तो कॉलोनी कॉलोनी में 7 कॉलोनी में 7 मोरंग है हमारा, 7 कॉलोनी में 7 मोरंग है। तो उसमें से ये सबसे बड़ा पा है, उसको सुमखू पा, कॉलोनी का नाम सुमखू है लेकिन एक्चुअली उसको बस्ती का पा बोलते हैं, मुक्तोंग पा। तो ये पांग बनाया है वो मैडम का आशीर्वाद से, मैडम का तरफ से, एसआईडीएफ से। हम लोग ये 20 लाख से बना, ये एसआईडीएफ का तरफ से, एमएलए ऑनरेबल एमएलए मैडम श्रीमती अबो मैडम का तरफ से ये एसआईडीएफ से बना ये पांग जो। तो हमारा कॉलोनी और हमारा बस्ती जितना भी है वो मैडम को वेरी थैंकफुल है, उसको जो ये हमारा कॉलोनी के लिए जो ये मोरंग पा जो दिया है वो, थैंक यू। तो सर ये पा सिस्टम जो है अभी से ना ये सदियों से आ रहा है, कब से ये सिस्टम आप लोग बनाया है? एंसेस्टर समय से, पुराना जमाना से ये पांग सिस्टम है। ये पांग में जिसको मेल डोमेट्री बोलता है, जो जहाँ पर जो मत लोग जमा होके बैठता है, और जितना रिचुअल्स जो विलेज काउंसिल, विलेज का जो रिचुअल होता है, अगर खेत में खेती जाने के लिए भी, ज्यूम कंट्रीब्यूशन, न्यू ज्यूम कंट्रीब्यूशन करने के लिए भी, या कुछ नियम करना है, जो प्रैक्टिस करना है, वो इसी पांग से, मोरंग से करता है। हमारा बस्ती में, यहाँ में एंसेस्टर में जो हम लोग हर हंटिंग समय में जो माथा दुश्मन का काट के भी यहाँ रखता था, इसमें हम लोग, हमारा जो डाडोम जो सबसे बड़ा बस्ती है, मुक्तो वाला जो दुश्मन को का माथा काट के हम लोग उसको माथा को डाडम में देता था, और नीचे पोषण को हम लोग एक टुकड़ा जो कुछ ना कुछ चीज हड्डी चीज हमारा पा इसी पा में रखता था। लेकिन हमारा जो फायर एक्सीडेंट 2 बार हो चुका है, 97 में 91 में 2 बार फायर एक्सीडेंट का वजह से, यहाँ में जितना पुराना मेटेरियल एंसेस्टर का जो पा में सामान था वो सब वो फायर एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुका है, इसके लिए नहीं है। लेकिन हिस्ट्री में यही है कि ये यहाँ में हम लोग रिचुअल जो है विलेज का और सब कुछ पहले जमाना से चलते आ रहे हैं। तो सर और एक छोटा सा सवाल है, अभी युवा लोग को, नया जनरेशन लोग जो है, युवा पीढ़ियों को आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि ये मोरंग सिस्टम जो है
देखा दे रहा है कि धीरे धीरे डिसअपियरिंग हो रहा है ये सिस्टम जो है, क्लब हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, गिरजा हो गया, चर्च हो गया, क्या क्या मंदिर हो गया। तो अब न्यू जनरेशन लोग के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, न्यू जनरेशन के लिए यही मैसेज है, हमारा जो परंपरा, हमारा जो सिस्टम है एंसेस्टर से, जो सारा बस्ती में, नोक्ती में, वांचू में जो चलते हैं, वो मोरंग जो पा जो बहुत जरूरी है। आज जैसे देखिए कम्युनिटी हॉल होगा, आपका पंचायत होगा, जो भी हॉल होगा, वहाँ में हमारा जो केस जो होता है बस्ती में, जो इवन मर्डर केस तक भी यहाँ में ये पाने सोल्व करता है, और छोटा मोटा केस से लेके मर्डर केस तक ये पांग में सोल्व करता है, सॉल्यूशन में आता है विलेज अथॉरिटी, विलेज काउंसिल का तरफ से। लेकिन हमारा जो कम्युनिटी हॉल या जो मॉडल टेक्निक का जो हॉल या कुछ घर बनाता है, उसमें ये सिस्टम जो मीटिंग और सॉल्यूशन केस सिस्टम जो विलेज का, वहाँ पर नहीं होगा। इसलिए यंग जनरेशन को भी मेरा तरफ से और मेरा जनरेशन वाला को भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा नोक्टी, जो नोक्टी में ये पांग सिस्टम, मोरंग सिस्टम को नहीं हटाना है, उसको हम लोग प्रिजर्व करना है, और कंटिन्यूएशन जो विलेज काउंसिल लोग भी हर बस्ती में, दाडम एरिया में हो या हमारा कंस्टिट्यूएंसी में हो, कहीं में भी हो, उसको हमेशा स्ट्रेंथन करना है, और ये मोरंग सिस्टम को, मोरंग को नहीं हटाना है। थैंक यू। मोक्ता बस्ती और तिरप डिस्ट्रिक्ट, यानी तिरप डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एसपी साहब को स्वागत करते हैं। बहुत ही हुनहार, यानी एक जाने माने आईपीएस ऑफिसर, हम लोग खुश किस्मत है राहुल गुप्ता सर यहाँ पे है, हमारे बीच में है। सर, आपके लिए शायद पहली बार होगा, क्योंकि ये जो मोक्ता बस्ती है हाईएस्ट पिक जाना जाता है, सबसे ऊंचाई जगह है तिरप डिस्ट्रिक्ट का, और ये म्यांमार और म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है राइट टॉप में, लेफ्ट में आपका लाजू होगा, राइट साइड में लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट होगा। अब यहाँ में फर्स्ट टाइम आया होगा शायद, तो आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा और आपका एक्सपीरियंसेस कैसा होगा और आपका कैसा लगा यहाँ में आके? सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, पूरी कम्युनिटी ने, मैडम ने इनफैक्ट मुझे कुछ दिन पहले पर्सनली इनवाइट करके बोला था कि मुक्तवा में प्रोग्राम में एसपी साहब आपको ज़रूर आना है। और मैंने जब से यहाँ पे ज्वाइन किया तिरप डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं ज़्यादातर बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हमारे, बॉर्डर एरियाज कौन कौन से हैं। तो मुक्तवा इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर विलेज, तो जो कि जैसा आपने बताया लॉन्गडिंग को भी टच करता है, और म्यांमार भी दूर नहीं है यहाँ से, वन ऑफ द फादेस्ट बस्ती हमारे यहाँ की है। और जैसा अभी जटकीम साहब ने बताया कि कल्चरली कितना सिग्निफिकेंट है, जो अभी हम आज जिस ट्रेडिशन को के मोरंग के इनॉग्रेशन के लिए आए हैं, वो कितना इम्पॉर्टेंट हॉल है एक हमारी कम्युनिटी के लिए, कि यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो, जैसे जो मेरा एक वन ऑफ द काम मेरा ये है कि हमें लॉ इन्फोर्स करना है, तो उसमें भी एक विलेज लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये हॉल प्ले करेगा। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आज इस हॉल के इनॉग्रेशन के टाइम पर, मोरंग के टाइम पर यहाँ पर बस्ती में आया हूँ। और मेरा पर्पस यहाँ आने का एक तो यह है कि मैं कम्युनिटी से मिलके बात करके जानूँ यहाँ के बारे में, लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानूँ, टेरेन के बारे में जानूँ, और यहाँ पे लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे कल्चर किस तरीके से यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं और किस तरह की सोच रखते हैं, तो वो सब जानना मेरे लिए ज़रूरी है कि अगर, चूँकि हमारा इलेक्शन भी बहुत क्लोज है और सोसाइटी को जानकर ही हम लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं, तो उस नज़रिए से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी होपफुल कि अभी आगे अगले 2-3 घंटे में बहुत अच्छा लगेगा। My name is Ruvang Ago, and it's a privilege to welcome all of you presented here to celebrate the ceremony of Mōrang inauguration program. And I would like to request Ruvang Ago, JPM of Dadong Block. A very first morning to each and everyone. Honorable MLA Madam, SP Tiraf, EPWD, DMO, HODs, Chief of Moktua, GB, Panchayat leaders, and all the public leaders who accompany with HODs and Honorable MLA Madam. आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा मोरंग इनॉग्रेशन पांग
हमारा नुक्ति भाषा से पांगयोग बोलते हैं, तो ये पांगयोग इनॉग्रेशन उसके लिए आप लोगों को हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर वांकी साहब आने के लिए का प्रोग्राम था, अनफॉर्चुनेटली उसका बिजी शेड्यूल या कुछ पर्सनल प्रोग्राम प्रॉब्लम का वजह से आज वो आ नहीं पाया। ऑनरेबल एमएलए मैडम को बहुत बहुत मेरा तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ और मोस्ट वेलकम भी करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मुक्तवा। हमारा इस जो बस्ती मुक्तवा द लास्ट विलेज ऑफ चिराग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री विद म्यांमार एंड द बाउंड्री विद लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें ऑनरेबल एमएलए मैडम और उनका साथ उसका टीम जो आया है उन लोगों को मैं मेरा तरफ से और पब्लिक की मुक्तवा बस्ती की तरफ से हार्दिक वेलकम करते हैं। और साथ साथ में एसपी सर एक दो दिन पहले भी आउट ऑफ स्टेशन था, परसों हम जब आज आता को बस्ती में तब भी कांटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया, फिर भी बताया कि वो बाहर में है एसपी सर, फिर भी इतना उसका जो पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारा सिक्योरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट का, फिर भी इसका इतना बिजी शेड्यूल से हमारा मुक्तवा बस्ती के लिए आपने टाइम निकला और हमारा बीच में आया, तो बहुत मेरा मुक्तवा बस्ती की तरफ से और पर्सनली मेरा तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और मोस्ट वेलकम इन दिस लास्ट विलेज ऑफ चिराग डिस्ट्रिक्ट। साथ साथ में हमारा और हमारा सीओ साहब हमारा बस्ती के लिए और हमारा दादम ब्लॉक के लिए बहुत हेल्पफुल और करते हैं और हमारे लिए तो बड़ा भाई की तरह जैसे बड़ा भाई है, तो सीओ सर और जितना एचओडी सिया पर आया है उसको मैं बस्ती की तरफ से और मेरा पर्सनली मेरा तरफ से भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आज का इस पांगयोग फेस्टिवल में। और साथ में हमारा बस्ती में बस्ती से जितना भी जमा हुआ है यूथ और विलेज, आज मौसम थोड़ा खराब है फिर भी सब जितना भी जमा हुआ है वो लोग को भी मैं हार्दिक वेलकम करता हूँ आज का इस प्रोग्राम में। हमारा बस्ती एक्चुअली दूर जरूर है लेकिन आज मौसम थोड़ा खराब है, मौसम अच्छा होने से काफी सीनारी बहुत अच्छा होता है, यहाँ से पूरा असम भी दिखा देता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भोजन पीएम चारों ब्लॉक आज का एजेंडा जो हमारा प्रोग्राम में है अभी विल बी फॉलोड बाय मोक्तो यूथ वेलकम डांस और इसके बाद Thank you.
keep up your prayer. You know, put your hands down. Madam, to give you. Don't give. Just be a man. Just one woman. Next up, one and hello. Thank you so much. Sir, hand check bhi ho jaye. And long jump. EEPWD. Upar pen dete hai na. Dekhiye jam sir. Thank you so much. Please have a seat, sir. Hello, madam. To receive the present. Thank you. Thank you. Please have a seat, ma'am. That don't see yourself. Thank you, sir. Or no, let's take the door open. Letting balong mama apa padong
ran mathe bani guna kothien pati ka kham ko tibiri kothien ni me e ko padu ko phasa rang dang e e ni ko padu bana pi ku thi yo te lampa chakan nang me jedo se letting balung pe si te pe hari kore tham sung tu are sung ko lo koloni ngaka eko kini maku genang majedo aru tem saut madang ma ada pado ko letik paru mukusan ma. Good morning to all. Suprabhat, namaskar. Respected MLA ma'am Chaka Tapio ji, hamare yahan ke ZPM Jamwang Lobang ji, hamare circle officer Pik Tayong ji, हमारे जितने भी एच ओ डीज यहाँ प्रेजेंट हैं, डीएमओ मैडम, डीएफडीओ और हमारे ई पीडब्ल्यू डी जयराम साहब, तो आप सबको, जितने भी यहाँ पब्लिक लीडर्स प्रेजेंट हैं, पब्लिक यहाँ की प्रेजेंट है, और हमारे जितना भी मैं यूथ यहाँ देख पा रहा हूँ वहाँ पे, शायद वहाँ से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है वहाँ पे लोग, क्योंकि अभी मैं वहाँ पे था तो उतना यहाँ पे हो रहा है कि इधर का दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैंने एक महीने पहले यहाँ पे ज्वाइन किया है। अभी कुछ दिन पहले हम दादम बस्ती में भी आए थे, ZPM साहब और हम दोनों ने विजिट किया था, दादम के लोगों से भी इंटरेक्ट किया था। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि इतना रिच कल्चर का मैंने अभी देखा है डिस्प्ले, कि बहुत टाइम बाद ऐसा लगा है कि इंडिया में जो है अभी भी इतना कल्चरल डाइवर्सिटी है, जिसको देख के इतना अच्छा लगता है जगह जगह जाओ। मैं इससे पहले ईस्ट कामिंग में था, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से कल्चर प्रिजर्व्ड है पॉकेट्स में, हालांकि हमारा अभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन तब भी जब हम बस्ती बस्ती में विजिट करते हैं और इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आते हैं, तो रियलाइज होता है कि भारत में जो कल्चर है कितना रिच है और हमको उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, अदरवाइज धीरे 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 ये डिक्लाइन होता जाएगा। जो इवेंट था मुझे बताया ZPM साहब ने कि ये जो कम्युनिटी हॉल जिसका इनॉग्रेशन हुआ है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है कल्चर में, कि यहाँ पे विलेज काउंसिल बैठती है या फिर जितना भी रिस्पेक्टेड एल्डर्स हैं उनके बीच कभी भी मीटिंग होती है तो इसी हॉल में होगी, और कभी अगर कोई केस हो जाता है, क्रिमिनल केस हो जाता है या फिर कुछ भी झगड़ा है गाँव में, तो इसी कम्युनिटी हॉल में उसको सुलझाया जाएगा। तो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूं, तो मुझे पता है कि ऐसी इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे थाने होते हैं, जैसे कोर्ट होता है, लेकिन गांव लेवल पे अभी हमारा पुलिस का इतना आउटरीच नहीं है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके की इंस्टीट्यूशन प्रिजर्व हो, हॉल जगह जगह हो जहाँ पर लोग बैठ के छोटे मोटे मसलों को सुलझा सकें, और अगर वो उसका डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन नहीं ला पाते हैं लोकल लेवल पर, तो पुलिस तो है ही ऑब्वियसली। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ, और फॉर्चुनेट इस बात के लिए भी हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। मुक्तोवा लास्ट विलेज ऑफ हमारा 13 डिस्ट्रिक्ट है, इसके आगे एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ लॉन्गडिंग है, तो चूंकि इसमें कल्चर का ट्राइब्स का भी फ्यूजन है, मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो वांचो का भी काफी सारा इन्फ्लुएंस है नॉक्टे के साथ साथ, तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। इतनी हाइट पर है, सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन प्रोबेबली ये डिस्ट्रिक्ट की होगी जहाँ पे बस्ती है, बड़ी बस्ती है, तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे आना जरूरी था, क्योंकि आगे अभी इलेक्शन के टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हमको यहीं से फेस करने पड़े, और म्यांमार का भी प्रोबेबली बहुत सारा जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है इलेक्शन के, नॉट जस्ट इंटरनल फैक्टर्स, उनका भी इन्फ्लुएंस यहाँ रहेगा, तो इसलिए जरूरी है कि मैं इस बस्ती को एक बार देख लूँ, लोगों से मिल लूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर लूँ, ताकि आगे आसानी रहे काम करने में। हमारा थाना भी दादम थाने के अंदर ही आएगा, तो दादम थाने की जो बिल्डिंग है वो विद इन 1 or 2 months तैयार हो जाएगी, उसमें फाइनल स्टेजेस का काम चल रहा है। लास्ट वीक मैंने विजिट किया था दादम पुलिस स्टेशन, थाना होगा पूरा के पूरा, पुलिस फोर्स आप लोगों को लोकल पुलिस फोर्स ज्यादा लेवल पर दिखाई देगा, और आई एम होपिंग कि अभी इलेक्शन जो है बहुत अच्छे से हम कंडक्ट करा पाएंगे। और इसी के साथ साथ लेकिन मेरी अभी यूथ से एक अपील है, यहाँ पे जितना भी यूथ जो मेरे को सुन पा रहा है, कि मुझे बताया गया ZPM साहब ने कि यहाँ पे ज्यादा ड्रग्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, बट अभी 2-4 बच्चे लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे लोग ड्रग्स लेने लग गए हैं, तो अभी आप लोगों को शायद पता होगा कि हम लोगों ने ड्रग्स पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया है पिछले एक महीने से, और हमने बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करके भी ड्रग्स के खिलाफ हम लड़ाई लड़ना शुरू किया है।
तो आज मैडम आपको बताना चाहूंगा कि आज मैंने देवमाली में प्लान किया हुआ है कि 5 जो यूथ है उनके घर पे विजिट करेंगे हमारे ओसी और वुमेन लीडर्स वहाँ की, क्योंकि देवमाली में हमने लास्ट वीक प्रोग्राम का वुमेन एनजीओज और एसएचजीज को साथ में लेके, तो उसकी शुरुआत अब आज से घर विजिट करने की यूथ के, ताकि उनको काउंसिल करके रोका जा सके। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी नौबत यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे अगर ड्रग्स का इन्फ्लुएंस नहीं है तो यहाँ पे वैसा ही बना रहे। 2-4 जो भी बच्चे हैं जो कि ड्रग्स लेते हैं, मेरी उनके पेरेंट्स से अपील है, यहाँ के लीडर्स से अपील है, हमारे विलेज के चीफ से अपील है कि उनको जो है रिहैब के लिए भेज दें या तो काउंसिल करके उनको रोकें। और अगर कोई आपको यहाँ लगता है कि बेचने वाला है ड्रग पेडलर जो कि बेचता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमको दीजिए, मैं आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ, आप मुझे अभी दे दीजिए, मेरा नंबर ऑफिशियली अवेलेबल है हर किसी के पास। ऐसा नहीं हो सकता कि ड्रग्स को लेके हम इंतजार करते रहेंगे कि पुलिस एक्शन लेगी तभी ड्रग्स खत्म होगा, या फिर जो है एकदम से कुछ हो जाएगा और ड्रग्स खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कम्युनिटी को, सोसाइटी को खुद सोचना पड़ेगा कि अभी ये हमारी सोसाइटी में ड्रग्स की समस्या बढ़ चुकी है, तो हमको इसके खिलाफ एक्शन लेना है। तो वो वक्त आ चुका है, हमको जो है मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि अगले 25 साल में हम बहुत अच्छे से हमारा देश प्रोग्रेस हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे युवा तैयार हो, और अगर ड्रग्स के नशे में रहेगा तो कभी तैयार नहीं हो सकता युवा। तो इसलिए मेरी आप यहाँ के युवा से अपील है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, आप अच्छे से पढ़े लिखे, अपने रूट से जुड़े रहें, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करें, अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा काम करें, अपने देश के लिए अच्छा काम करें, उसी में सबकी भलाई है। और मैं आप लोगों से ये भी आपको आश्वासन देता हूं कि आगे भी आता रहूंगा यहां पे बस्ती में, और आप लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करता रहूंगा। थैंक यू। Ram 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 Ram
थैंक यू आवर चीफ गेस्ट एवेला मैडम टू कम ऑन द स्टेज एंड से फ्यू को गुड मॉर्निंग एसपी तिरप जेपीएम दादम ब्लॉक ईपीडब्ल्यूडी सीओ दादम चीबब मुक्तो चीबब मुक्तो कामो राजा चीबब वकन विलेज डीमो मैडम सीडीपीओ मैडम HODs, public leaders, GPC, GPM, GB, mayors, मुक्तों की वासियों को थोड़ा सा अपना से बताना चाहूँगी। तुझा नंगों नंगतंग ही नामे नेक है, फुल चाय नंगों बारे में तू कुआर दी को नंग को तुझा नंगा पानी पे चंदन को मुंह की नंग तेरी से ने नंगा माथे में जो नंग ती नंग माथे में अरे पाठ में जंग जो तुम तो इन पे जंग बंग पुली में जंग वा जून में नंग मापे रिवा भून की अपे होम शो में लगता रही थी ही खे स्पेशली ही में न्यू जेनरेशन ही में तारन अपे नंग माने नंग हर रा उन तंग मारू जो थे मिन अरे पावन की पे इन्हें दंग मार नंगा अरे जंग सुरू हुन तंग तंग बजुआ कुआ छावा तंग तंग हुन इमे दंग वा दंग दी नंग मार पे दी इमु हुन की अपन तजा नंगा कुसी रंग बुजा अबुआ तो रंग वो जो कुसा रंग बुजा नामने कुंगा नंग दासी लोगा संतम तंग बुआ तो मित्र लोग में नंग कुआ ना हादंग में अतो जनता से थाली मार बहुत पुष्ट दंग अतो से थम भी मंगा वा Abang baju ngan nang adong luang bayang ata pa ko toilet sisi sep mata ba ikua ikien kua ngala ko nang tiga program ko nang minister nang ramo ko min ba min nang min nyanyu puang kiong minga wadang kua ngakom timin kemina ni tim tuntung ikut ka nang min majua tindang kumi Ati me diskuti ko nang tadang kumi ne no ko me sandera ko diskuti ko ko yen nang manga di banang ko ka ati no me nak chi pohunan maroju me dang ko hon tang ma nang ka gatti nang pho nang wa jantu ma ko min ti hok ko min nang hada ko nang mi nyanyu ba teja nang mi nistat pa lawang ma nak tu wan jantu ma ko min ti hok ko min alo nang SP sama tu ko ti itami ngana Jangga jangko fast week ko dona ni nang kondak wala dang kuwa nang mi nyani me jukci chaka dang ka drug sedi ka ni edit dang ka lume pun wala dang kuwa ko nga kami huwa mga bahin nang ilang malata huwa dang kuwa nga kami aluti me jang nga hiyang apa nga nga rame sandang ma achi nang mam jukka chan achi akapa Nak mam kadi letar si kam nak mam itu ki alto ko hanmaju makam jok ti gamin pe nang me eri da rehon na ko hanmaju tom mohon kon kon nang rien ko rehip senta di tonga ko chaju ko tonga ko ita tongka na ko hanju min problem mun tha kam lao admission fee hu ma mangan ko nga ready ko ne tu minya san bonara nga ready Angangamat rahonan to tungkat Jakarta Jakarta angangamat rahonan kulko ero nangman dangki minyan rajo man dang eh mama chusa ke chichang chang jo man ngai dak se din nak dangki kani nak jo ki me man pu kun ako pu wa jo ti me tongan ko min mama chusa ke nangman che hi ken man pu pu ko rien rang jo chi cha si pesen ma Ama man pu ko jo rien tongang awari ko sunika अरे जो कचा बारे में ता जकरा हंजु मिन जोरा पुनंग फुली लमतोंगा अको नंग चजु को फुली लमतोंगा को हंजु मिन तोंग का महुनन को ngangala ofar kuwa minya san ramam dangan ako letala chi jok chati mamwa bon ko min mam padan wala mam thinen mam je honen drama honen ngala ko ngame thaja chang su ko patakami thukwa 2024 बारे में मिना ठोकुआ नंग इलेक्शन ना थंका ना हुरा तो मैं
nang masantam tan ademin nang matalong chokara kambot min larim min ako nga na puchit puchit ku mokto anot tohulan na tungahe nang ang nga na request suanika maruji madang ako min rontang may nga rang suan kuha nga na ku kamora tatong kat ra rang suan kuha na katang kuyo nga may pa request suanika.